जिला आप लिख लेंगे कहीं पे जूता जूता वाला कहानी सुना करें आपने क्या बोला पोटेंशियल भी नहीं है ऐसा कोई हो नहीं सकता यहाँ पोटेंशियल भी ना हो आपने प्रेजेंट कैसे किया इट्स डिपेंड ओनली ऑन योर प्रेजेंटेशन वे ऑफ प्रेजेंटेशन इज द परफेक्ट एंड सर्टेनली यू आर गोइंग टू गेट द बिजनेस उन जिनके यहाँ वेंटिलेटर नहीं आता है जिनको चलाना उनको वेंटिलेटर दे के आता हूँ उनको सिखा के आता हूँ हम लोग मेडवेट के लोग हैं हम लोग जनरल लोग वही आर रिटन देयर वी आर डिफरेंट पीपल डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल हम लोग जनरल नहीं है हम लोग क्रिएट कर देते हैं इट्स ओके कैसे करना है ये मैं बताता हूँ नाउ कम टू द पॉइंट आप सीनियर आदमी आपको मालूम होना चाहिए इस चीज का क्यों फिर देगा आपसे प्लीज आपको बताया भी जब किया यही डिफरेंस होता है हम लद्दाख में भी फ्रिज बेच सकते हैं कैसे बेच सकते हैं लद्दाख में जब ये लोग नहीं फ्रिज किए माइनस डिग्री में टेम्परेचर है कुछ भी रखते हैं तो बर्फ जम जाता है वहां पे खाने की चीजों की जरूरत नहीं है तो फिर फ्रिज कैसे वो वहां परचेज करेगा क्यों परचेज करेगा थोड़ा एंटीना को ब्लिंक करवाओ क्यों परचेज करेगा फ्रिज एक सर्टेन टेम्परेचर पर थिंग्स को मैं रख सकता हूँ माइनस डिग्री में आपके खाने जम जाएंगे एक फिक्स टेम्परेचर पर मैं वहां रख सकता हूँ तो वो फ्रिज माइनस डिग्री में भी मेरे लिए बेनिफिशियल है मैं वहां पे फ्रिज सकता हूँ बिक जाएगा सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनकी क्या है देयर इज व्हाट आई एम टेलिंग यू देखो यार आप जाते हैं ये कहाँ गया अपना मार्कर पी ए डब्ल्यू एन पॉन इसका मीनिंग कुछ आता है थ्री इडियट पिक्चर देखा उसमें एक बोलता है वो सब डॉक लेके सब लोग खोजने लगते हैं उसका वो प्रोफेसर भी हो दो दो किताब लेके खोजने लगता है ना सिमिलरली आई एम नॉट हियर पॉन पॉन इज द डिक्शनरी में वर्ड नहीं है ये है प्रोडक्ट ये है मेरा मेरे प्रोडक्ट्स क्या है बाय मेरे प्रोडक्ट्स क्या है ओनली वेंटिलेटर नहीं आई शुड उसके बाद क्या है एक्नॉलेजमेंट दिस वर्ड इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड एक्नॉलेजमेंट अगर मीनिंग जानते हो एक्नॉलेजमेंट का किसी चीज को एक्नॉलेज करते हो आपको नहीं करते हॉस्पिटल में जाकर पहले एक्नॉलेज नहीं करते आपको हाँ करते हो ना कि क्या क्या चीज है नहीं है एक्नॉलेजमेंट आपकी आपकी होती है एनालाइज करते हो आप उसको तो ये है एनालाइज करने का चीज कि आप जाके वहां एक्नॉलेज करो कि क्या क्या चीज है वहां पे नहीं है नाम डब्ल्यू अभी इसने बोला गौरव ने कि हम उनकी वांट्स को देखते हैं क्या उनकी चाहत है उनकी दिल में इच्छा क्या है विश क्या है वो देन बाद में हम क्या करते हैं पूरा उनकी नीड को पूरा करते हैं ये चीज यूज करो चार वर्ड याद रखो दिमाग में यूज करो स्टेप बाय स्टेप आपको आएगा आप हो और आप हो आपको ट्रेनिंग चाहिए ना कितने नहीं नहीं सही आम वेरी सीरियस आम नॉट जोकिंग कितने की ट्रेनिंग चाहिए आप बताओ मेरे को गूगल नहीं बताओ कितने दिन नहीं सब साल में क्या दिन में कितने दिन में करूँ क्या थोड़ा आप जानते हो सब कुछ कितने दिन करूँ क्या ओपनली बोलते हो मेरे को चाहिए टीम स्ट्रांग हम आप दो बजे रात नहीं बोलोगे तो सर पर चल के आएगा टीम बट क्वेश्चन मार्क वाले हम आप चाहिए नहीं कितने दिन ट्रेनिंग आपको चाहिए आप बताओ कि हम कॉन्फिडेंट हैं क्यों करना है क्यों सर मालूम है
RCPA, यहाँ हमारा प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, हमारा क्या है प्रोडक्ट है, रिटेल काउंटर प्रोडक्ट ऑडिट। हमारा रिटेल कौन सा है? आज इस पे हर एक कंपनी करोड़ रुपए खर्च कर रही है सिर्फ इसके पीछे, चाहे वो रिन हो, चाहे वो फार्मास्यूटिकल हो, चाहे जो भी कंपनी हो, इसके पीछे करोड़ रुपए खर्च है। इसके बेस पे वो अपना डाटा तैयार करते हैं। पेप्सी का नाम सुना, कोला का नाम, कोला की मीटिंग चल रही थी, कोला की मीटिंग में, कोको कोला की मीटिंग में एक टाइम आया, उस वक्त लोगों ने बोला कि कोको कोला को हम लोगों ने, हमारी जो टारगेट थी उस टारगेट को छोटा कर दिया और हम लोगों ने सरपास कर दिया। उसका नया नया सीईओ आया था, बोला ठीक है, वो सब लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, वो कॉकटेल पार्टी वगैरह चल रही है, सब लोग हम घूम रहे हैं, ये अकेला घूम रहा है ऐसे शांति से मुंह बना के। तो एमडी आया कंपनी का, बोला क्या बात है, बोला सर, बोला कहाँ तक, बहुत अच्छा से बोला कि नहीं, जो मेरा टारगेट था, बोला टारगेट आपकी थी सर, बट टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ये तो आपने लाख रुपया, 10 लाख रुपया, 50 लाख, 1 करोड़ रुपया आपने पूरा कर लिया, बट ये टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंचा हमारा। एमडी वाला सरप्राइज थी, गाना क्या चाहता है, टारगेटेड ऑडियंस कहाँ है, बोला टारगेटेड ऑडियंस मेरा वहां है जब मैं ठंडा बोलू तो कोको कोला बोलू, उसके बाद ही आया था ठंडा, मतलब उसी एमडी, उसी सीईओ का देन है ये, ठंडा मतलब कोको कोला, ठीक है, उसने उसका ये लाया हुआ चीज है। आरसीपीए भी वही लेके आया था, वहां कुछ अलग होता है, फार्मास्यूटिकल में अलग होता है, जेनेरिक में अलग होता है, हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट। आप सर्वे करने जा रहे हो तो डिटेल, मतलब डिटेल में हम मालूम करें कि यहाँ पे क्या है, चाहे वो कोई भी आदमी जा रहा हो, इवन आप सर्विस में जा रहे हो नो प्रॉब्लम, फिर भी आप मालूम करो, कुछ इंफॉर्मेशन पास करो। ये चीज करने से आपको उस हॉस्पिटल का पूरा आइडिया मिल जाएगा। सूरज, यू आर बिजी समवेयर, अगर कुछ इंटरेस्टिंग है तो मेरे को बताओ, क्योंकि हमें इस चीजों से लेके आगे बढ़ना है। अभी हम लोग ना, ये सेल हमारा भी कुछ नहीं है, आप 2 साल बाद आप सोच भी नहीं पाओगे कहाँ हम हैं और किस कंपनी में। इस कंपनी में आने के लिए लोग डरते हैं कि 2 साल बाद कमिटमेंट में मेरी भी नौकरी हो जाती, पैर भी देते हैं और घूस भी देते हैं कमिटमेंट में जॉब के लिए। तो इस चीज को ध्यान से देखो, यू आर लकी एनफ टू हैव गॉट द अपॉर्चुनिटी कंपनी लाइक मिडवेट, तो टेक इट सीरियसली। आप लोग सर्वे में जरा सा भी मिस्टेक नहीं करोगे, सर्वे प्रॉपर होना चाहिए। क्योंकि मैं कल से हर लोग से पूछने जा रहा हूँ, सर्वे का रिपोर्ट मैं लूंगा, कितने हॉस्पिटल में आप गए हो, क्या सर्वे किया, आउटकम क्या है, वहां पे कौन से प्रोडक्ट अवेलेबल है, ये सारा आपकी डिटेल कॉपी में होना चाहिए। हमें इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा, विदाउट इंफॉर्मेशन वी आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग, हम फिर पैरालाइज्ड हो जाएंगे। वही बात होगी कि सर मैं वहां गया तो मॉडल साहब ने बोला, यहां गया तो किसी और ने बोला। डोंट वेस्ट योर टैलेंट यार, प्लीज, यू पीपल आर टैलेंटेड पीपल, डोंट वेस्ट योर टैलेंट। मैं अभी तक नहीं बोल रहा था बिकॉज मीटिंग का समय में, एक तो नंबर वन आप लोगों में कॉम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। कॉम्युनिकेशन गैप का मतलब ये कह रहा है उसमें तो कॉम्युनिकेट करते रहोगे आप लोग। क्या यह जरूरी है कि बड़ा हॉस्पिटल हो वही वेंटिलेटर? सपोज दैट एक लेडी डॉक्टर सिर्फ क्लिनिक चलाती है, प्रतिदिन 2 से 4 डिलीवरी कराती है, वहां वेंटिलेटर की आवश्यकता है या नहीं? तुरंत जाएगा, है ना, और उस बच्चे को वेंटिलेटर चाहिए। अगर वो लेडी डॉक्टर चलाने की विधि अगर पूरी तरह से आप समझा देते हैं तो वो साइड में स्वयं रखना शुरू करेंगे और वेंटिलेटर के बल पे पेशेंट बढ़ा देंगे।
अगर प्रॉपर सर्वे हुआ तो हमारी इंक्वायरी खुद ब खुद वहाँ पे होगी या तो नहीं होगी, दो में से एक चीज। लेकिन चांसेस अगर प्रॉपर सर्वे है तो 10 में से 5 3 4 जरूर होगा। देन नेक्स्ट टू फिक्स द डेमोंस्ट्रेशन डेट एंड टाइम। नाउ एक जॉब असाइन किया गया है लोगों को, जिनको जिनको जॉब असाइन किया गया है सर्वे करने का, वो सर्वे करेंगे, देन वो इंक्वायरी पास कर देंगे डेमो टीम को, वो जाके डेमोस्ट्रेट करेंगे उनको टाइम एंड डेट फिक्स करके कि सर मंडे का आपका टाइम है 3 से 5 के बीच में, वो जाके डेमो करेंगे वहां पे, ठीक है। डेमो जब हो गया साथ में कोटेशन वहां पे डिस्कस करेंगे, कोटेशन जो भी है अपना प्रोडक्ट का, जो भी जो उनका डिमांड है एज पर द नीड कोटेशन हम देंगे। देन कोटेशन देने के बाद वो एक बार डिस्कशन में डॉक्टर बैठते हैं, आप जो भी कोटेशन दोगे डॉक्टर विल सिट विद यू, डिस्कस रिगार्डिंग द रेट, कुछ आगे पीछे करेंगे वो, उसके बाद हम सेट करते हैं। एक सेट 5,50,000 का है तो 5,20,000 पे, 5,30,000 पे हम सेट करते हैं उसको। देन हम क्या करते हैं उसी वक्त हम 50% एडवांस ले लेते हैं एंड पीओ कलेक्ट करते हैं। पीओ क्या हो गया? परचेज ऑर्डर। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पैड पे लिखवा लेते हैं कि टू मेडिकल मेडिकल सर्विसेज प्लीज सप्लाई वन शो एंड शो इक्विपमेंट फॉर माय हॉस्पिटल इज यूज एट द रेट ऑफ दिस प्लस दिस देन थैंकिंग यू डॉक्टर शो एंड शो प्लस जो हमारा बचा हुआ अमाउंट 50% है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन हमारी फिक्स होती है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन उसकी पीडीसी हम कलेक्ट कर लेते हैं। पोस्ट डेटेड चेक हम उनसे दे देते हैं कि सर आप मुझे पोस्ट डेटेड चेक दे दीजिए, हम लोग करते हैं अभी हम लोग ये क्या है पूरा। देन टेक 15 डेज टाइम टू इंस्टॉल द इक्विपमेंट, डिपेंड करता है आप 15 दिन का लो, हो सकता है आप 7 दिन कर दो, आप 30 दिन कर दो, आप 10 दिन कर दो, लेकिन 15 दिन अपने हाथ, ठीक है। फाइनली इंस्टॉल द इक्विपमेंट्स इंस्टॉल करने के बाद एक पेपर वर्क हमारा होता है कि हमने वो वारंटी पेपर, उसके बाद इंस्टॉलेशन रिपोर्ट, देन डीसी, सारा कुछ जो है वो पेपर वर्क करके फिर काम करवा है। दिस इज द सिंपल प्रोसीजर, इसमें कोई बड़ी चीज नॉट अ रॉकेट साइंस। और ये जो पूरा 9 स्टेप्स है ना, हमें कोई जरूरत नहीं है, अगर आप नहीं होना वहां पे तो उससे बेहतर काम करके दिखाएंगे, लेकिन होता क्या है ना कि हम लोग डिपेंड हो जाते हैं। सूरज आप जहाँ आप जिस टेरिटरी में अभी हो वहाँ आप नहीं थे, तो मैं वहाँ पे वेंटिलेटर्स मंथली में 2 बेचते था, लेकिन आप जब से गए हो तब से मैं नहीं बेचता, क्यों बता? ये प्रॉब्लम हमको फिक्स करना पड़ेगा। बिजली का प्रॉब्लम हर जगह पे, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम उनके यहाँ हर जगह पे इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम आ रही है, उनका बैकअप प्रॉपर नहीं है, उनका कंप्रेसर प्रॉपर नहीं चलता है, दोष देते हैं वेंटिलेटर का, दोष देते हैं कंपनी का। नो सर आपको बैकअप प्रॉपर आपको रखना पड़ेगा, ये डिस्कस कर लेने का। देन जब हम लगाने जाते हैं वेंटिलेटर स्पेशली तो कनेक्टर का प्रॉब्लम आता है, तो आप जहाँ भी जाओ अगर वेंटिलेटर बुक होता है तो उनके आईसीयू में एनआईसीयू में आप घुस जाओ ताकि इस स्टेप को फॉलो करें। अब इसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ, बेसिक वर्क करना है बता दिया, बहुत हो गया, बेसिक वर्क आप करो, फॉलो अप ऑन द रेगुलर बेसिस जो आप लोग नहीं कर रहे हो, फॉलो अप क्या हो गया मैं बोल रहा हूँ बार बार आप लोग बांटो, डॉक्टर से बात करो, फॉलो अप करो, कंप्यूटर एक्टिविटीज की। कोई और है आपके एरिया में काम करने वाला है? कंप्यूटर को मालूम है उसका क्या कर रहे हैं? आप मार्केट में नहीं होते, आपके यहाँ कंप्यूटर है, आप मार्केट से बाहर, आप क्या कंप्यूटर है कौन से कंपनी है? आपको ये देके जाएगा ठीक है। बाकी सारी चीजें हमने कवर कर ली है। दिया आज से कॉर्पोरेट लुक में क्या है हमारा, हम सभी लोग कल का सुनो आप लोग पढ़ो मत सुनो मैं बता रहा हूँ सारा चीज क्लियर कर दे रहा हूँ। हम सभी लोगों को मोबाइल अपना है, मोबाइल पे हमें मैसेज डालना है कि कल का मेरा प्लानिंग कहाँ का है,
इवनिंग में, मैं कल कहाँ काम करने जा रहा हूँ, फॉर गॉड सेक फर्स्ट सितंबर से भूलना मत, आप भूलोगे तो कोने में एक मैडम बैठी है, आप एकदम लास्ट एक्सट्रीम कॉर्नर में राइट कॉर्नर में एक मैडम बैठी है, वो सारा रिपोर्ट रख रही है, आप भूलोगे तो बहुत कुछ भूल जाएंगी वो फिर. To keep one day prior information of work planning at reporting at the rate of midwinter. आप लोग कितने कितने पास आ गए ये? इस ग्रुप में आगे कौन कौन आ गए? हाथ उठाओ आप लोग, अपना कौन कौन आ गए इस ग्रुप में? तो जो जो लोग आए हैं इसके लिए हाथ पूरा उठाने वाला आधा क्यों उठा, खाना नहीं खाया पूरा? फिर से खिलाओ. जितने लोगों का आ गया नाम ये लोग आज आप लोग डालना चालू करो, कल का मेरा प्लानिंग यहाँ का है. तकलीफ कहाँ है आप लोगों में? आप लोग सोचते नहीं हो. मुझे पता है कल सुबह मुझे क्या करना. हम लोगों ने अपनी लाइफ में 10 सुबह का 10 बजे से 7 बजे का जो ऑफिशियल टाइम होता है वो समय आप से कोई छीन नहीं सकता. सुबह 10 बजे से पहले आप आपके सारे जो रूटीन वर्क होते हैं वो सारे आप कंप्लीट किए, ठीक है? उससे प्लानिंग कीजिए. इतने साल आप लोग मार्केट में रह चुके हैं, ठीक है, आप लोग काम में रह चुके हैं तो आपको पता है कि अगले दिन क्या करना. तो उसकी एक सिस्टमेटिक मैसेज आपको डालनी है इस ग्रुप में. सूरज का आ गया, मैडम ने प्रेजेंट किया अगले दिन, ठीक है. उसके बाद उस मैसेज को हम लोग टैली करेंगे अचीवमेंट रिपोर्ट से. ये 6 महीना हम लोग इस चीज को मेंटेन करने की पूरी कोशिश करेंगे और 6 महीने इसको मेंटेन करेंगे तो देखना आपके अंदर क्या चेंज आ जाता है. डेवलपमेंट आप देखो कितना डेवलप हो. जो द पर्सन वन पर्सन वो भी बीइंग मिस्टर राज इज गिविंग यू मैसेज टू सेंड द रिपोर्ट व्हाई यू नॉट गलत है ना? तुमने भेजा? हाँ, तुम्हारी सैलरी गलती से ट्रांसफर हो गई. नहीं, वो मैंने कर भेजा तुमने बाद में? जी सर. हाँ, उसका आपने भेजा मंथली अचीवमेंट रिपोर्ट? क्यों छुट्टी में था? तो ये इससे कोई मतलब नहीं है कि आप छुट्टी में हैं या कहाँ हैं. अगर हमें मंथ के लास्ट में आपने 15 दिन काम किया तो उसी 15 दिन का आपको अचीवमेंट रिपोर्ट चाहिए. आप लोगों के अंदर बॉस बन क्या है ये एनिवर्किंग केस? डॉलर का साइन है. बहुत बढ़िया. किसको किसको डॉलर चाहिए? बिना डॉलर के कैसे होगा? बिना डॉलर कैसे? वेरी गुड. सद्दाम का कहना बिना डॉलर कैसे होगा? हम लोग डॉलर में ही कमाए. टाइम आएगा सद्दाम, डोंट वरी, डॉलर में ही कमाएंगे. ये क्या इशू है? इशू नंबर वन, मेरी सबसे बड़ी इशू क्या है? डॉलर बना के उस पर एरो मारा हुआ है. सर प्राइस हाई है हमारा. नहीं, दिमाग से निकालो. अभी भी बात मैडम ने भी बताया कि प्राइस अगर हाई होती तो एप्पल और क्या 2-3 एग्जाम्पल हम लोगों ने दिया वो नहीं होता मार्केट में. निकालो दिमाग से. आखिर का मिस्टर सूरज आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम था जो वहाँ पे इतने में देके चला जाता. सर मैं कैसे बेचूँ? समझ में आया कैसे बिकता है? ठीक है, ये क्या है? एनीबडी? यस, दिस वन कॉम्पिटिटर्स. रेस है. रेस क्या है? कॉम्पिटिशन. कॉम्पिटिशन इज वेरी हाई. अभी हम लोग लकी हैं कि हमारे पास कॉम्पिटिशन नहीं है. बड़ी कॉम्पिटिशन डे बाई डे इंक्रीज होता जा रहा है. वेरी हाई कॉम्पिटिशन. तो हमारे कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं, हमसे तेजी से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं. बड़ा नंबर वन पे वहाँ आगे मेडमेंट खड़ा रहेगा. गलत देख रहा है ना, मेरा सूट भी ऐसे मैच कर रहा है. मेडमेंट खड़ा रहेगा वहाँ आगे आगे. चिंता नहीं करो, उसको मैं लेके चलूँगा आगे आगे. ये तो मेरे लिए है. हाँ प्लीज, आपको क्या मैं दूँ? So you should always give a competition to yourself. अपने आप से compete करो कि मैंने 10 अगर achieve किया है तो मुझे उस compete करके 15 करना है, या 15 किया है तो 20 करना है. अगर आप किसी और से compete करोगे और उसका सिर्फ 2 ही achieve है तो आप उससे सिर्फ 3 ही कर पाओगे. So always doing competition with other self, you do with ourself. Very good. Very good. Very good.
तो दैट इज वन पॉइंट सर. मनोज सर, आई वुड लाइक टू ऐड कि कंपटीशन खुद से करना भी सीखो. yes. अगर मैं चार टास्क कर सकता हूँ तो आई विल डू सिक्स टास्क इन अ नेक्स्ट वीक. सो दैट इज द मेन थिंग.